अभी तक हमने रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट किया है बेटा, अब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स में हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने पहले भी पढ़ी हुई है ना, तो अब अभी हम वेव पढ़ेंगे। वेव के बारे में काफी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है हमारे पास, जैसे कि हाइजेंस थ्योरी 1678 में दी गई थी। उसके बाद हम ड्यूअल लेक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जहां वेव लेक्चर और पार्टिकल लेक्चर की का डिस्कशन करते हैं, जो हमारा अगला चैप्टर आएगा वहां पर भी हम वेव लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। काफी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, न्यूटन ने भी हमने एक थ्योरी दी थी वेव के बारे में। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि वेव के अंदर सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो हाइजेंस ने दी थी, इसने दी थी हाइजेंस, और उसकी जब हम शुरुआत करते हैं तो हम वेव फ्रंट से करेंगे। वेव एंड रे, इन दोनों के बारे में हम आपको बताएं। सबसे पहला पॉइंट है वेव फ्रंट, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है। हम एक स्टोन लेते हैं और पानी में फेंक देते हैं, हमने एक स्टोन को वाटर के अंदर फेंक दिया, समझ आ गया। तो क्या देखते हैं हम, वेव बन गई, क्या देख रहे हैं हम, वेव बन रही है और वो हर डायरेक्शन में बन रही है, चारों तरफ बन रही है। हम क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए कि ये वाटर पोल है जिसमें पानी भरा हुआ है, आपने यहां पर एक स्टोन फेंका, वेव बनना शुरू हो गई। इन वेव का जो नेचर बताया जाता है वो स्फेरिकल नेचर होता है। हम क्या देख रहे हैं, यहां से वेव बनी। अब जो मैंने ये राउंड बनाए इनको ध्यान से समझना, ये क्या है, जैसे कि यहां से वेव बनी, सबसे पहले वो ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, अगेन ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, इस तरह से वेव बनी। क्या इसमें देखकर आपको कुछ समझ आया कि मैंने जहां राउंड बनाए हैं वहां पर वेव की क्रस्ट है, समझ आ गया। जहां मैंने राउंड बनाए हैं वहां क्या है, वेव क्रस्ट। जैसे अगला राउंड आया यहां पर भी क्या है, वेव क्रस्ट। और ये थोड़ा सा आगे चला गया डायग्राम के ऊपर में, यू होगा ऐसे, ये पीक पॉइंट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर है, पार्टिकल कहां पर है, मैक्सिमम पीक वैल्यू पर है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर, हम ये बता रहे हैं। और दूसरा जो इनके बीच में है वहां पर मिनिमम एम्पलीट्यूड, इसका मतलब है पार्टिकल अपने फेज में वाइब्रेट कर रहा है, बस हम ये बताना चाहते हैं पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने फेज में वाइब्रेट कर रहा है, और ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है। अब ध्यान से समझना है क्या होता है, वेव कैसे बनती है। शायद 11th क्लास में जब वेव पढ़ाई जाती है तो बताया जाता है कि वेव कैसे बनती है, दो टाइप की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या होता है कि जैसे एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया जाता है, धक्का दिया जाता है, तो एक प्रैक्टिकल हम कराते हैं कि ये पार्टिकल अकेला नहीं है, इस पार्टिकल के साथ दोनों तरफ और भी पार्टिकल जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट को अपने इधर खड़ा कर देता हूं, एक स्टूडेंट को इधर, दोनों का हाथ पकड़ लेता हूं, मेरी बात समझ गए। अब इस स्टूडेंट के साथ एक और स्टूडेंट खड़ा, उसने अपना हाथ दूसरे का हाथ पकड़ रखा, इस तरह सभी एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। वाटर पार्टिकल्स की या हर एक पार्टिकल मीडियम पार्टिकल्स की का ये यही एक नेचर होता है, जो एक पार्टिकल दूसरे के साथ अटैच है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इस तरह से हर पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच है। अब मैं ये कहता कि एक पार्टिकल केवल इसी दूसरे के साथ अटैच है, क्योंकि पानी के अंदर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके इधर भी वाटर मॉलिक्यूल है, इसके इधर भी वाटर मॉलिक्यूल है, हर तरफ वाटर मॉलिक्यूल है, पर ये सभी के साथ अटैच है, सभी के साथ जुड़ा हुआ है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल सभी के साथ जुड़ा हुआ है, जब ये डिस्टर्ब होगा तब ये नीचे जाएगा, क्योंकि स्टोन हमने इसके ऊपर फेंका, मेरी बात समझ रहे हो ना, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, जब ये पार्टिकल नीचे जा रहा है तो ये चारों तरफ हर एक पार्टिकल के साथ अटैच होगा, सारे के सारे पार्टिकल कहां जा रहे हैं, इसके साथ नीचे जा रहे हैं। मीन्स जब हम वेव बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक स्टूडेंट इधर पकड़ा हुआ है, कोई मान लो मेरे को आगे धक्का देता है, मैं आगे जाऊंगा, इसका मतलब ये दोनों जो स्टूडेंट, ये दोनों जो मॉलिक्यूल मेरे साथ अटैच है, ये मेरे साथ आगे आएंगे। जब मैं अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा उसके बाद मैं आगे नहीं जा सकता, फिर मेरा काम क्या होगा, वाइब्रेशन के लिए पीछे आना। बट मैं जब आगे गया था तो इन पार्टिकल्स को मैंने आगे की तरफ फोर्स लगा दिया था, अब ये पार्टिकल कहां जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, और मैं कहां जा रहा हूं, बैकवर्ड, मैं अपनी मेन पोजीशन पर आ गया। ये दोनों पार्टिकल उससे अगले के साथ जुड़े हुए, ये उनके ऊपर फोर्स लगा देंगे। सिंपल सा मतलब मैं यही बताना चाहता हूं कि
जब एक पार्टिकल है उस पर फोर्स लगाया जाता है तो वो दूसरे को डिस्टर्बेंस देता है, दूसरे पर फोर्स लगता है तो वो तीसरे को डिस्टर्बेंस देता है, समझ आ गया। और जो डिस्टर्बेंस करने वाले पार्टिकल्स हैं जो अपने फेज में घूम रहे हैं, ये कहां है, ये पार्टिकल यही था, इस पर फोर्स लगा, ये ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, ये पार्टिकल यही था, यहां के यहां डिस्टर्ब हो गया और इसने अगले पार्टिकल को भी डिस्टर्ब कर दिया। मेरी बात समझ आ गई, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पार्टिकल्स वाइब्रेट इन आवर फेज ड्यू टू अप्लाइंग सम फोर्स और ड्यू टू डिस्टर्बेंस एंड क्रिएट ए न्यू डिस्टर्बेंस ऑफ अनदर पार्टिकल, समझ आ गया। एक पार्टिकल जिसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है वो दूसरे के अंदर भी क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए, समझ आ गया वो। और दूसरा पार्टिकल तीसरे के, और ये प्रोसेस चलता रहता है, ये पार्टिकल जो अटैच है ये सभी के साथ, नई बात समझ गए, हर डायरेक्शन के अंदर वे प्रेजेंट होती बात होते हैं। हाँ, और फलाई गया तो बता देते लगता। चलो देखिए, हाँ मैं यही बात बता रहा था आपको कि जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वही क्लियर हो गया, यहां जो क्या हो रहा है डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है और ये डिस्टर्बेंस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल में क्रिएट होगा, वही क्लियर हो गया। हम यहां कहेंगे सबसे पहले वेव फ्रंट की बात करेंगे। वेव फ्रंट क्या होता है, द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन ए पार्टिकल विच इज द न्यू विच इज द सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल कॉल्ड वेव फ्रंट, वही क्लियर हो गया होगा। ये एक उस पार्टिकल का डिस्टर्बेंस है जो किसी दूसरे पार्टिकल के लिए डिस्टर्बेंस के सोर्स का काम करेगा, पॉइंट क्लियर हो गया होगा, यहां तक सभी को समझ आ गया। अब एक पॉइंट आता है, ए पॉइंट क्या आता है बेटा, रे, जहां आप रे को एरो के साइन से डिनोट करेंगे। मैं आपको वेव फ्रंट के बारे में बताता हूं, वेव फ्रंट बेसिकली अब थ्री टाइप्स के रहता है, एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और एक हमारे पास होता है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है भाई, अब देखिए मैं सबसे पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करता हूं। जब हम स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास सोर्स है, जहां हमारा इनिशियल पॉइंट है, जब हम स्फेरिकल की बात करेंगे तो इस तरह के हमारे पास स्फीयर बन जाएंगे, ये हमारे पास क्या है, सारे वेव फ्रंट है। जब हम इनकी बात करेंगे तो हमारी जो रे है ना वो इस डायरेक्शन में यूज आएगी, मीन्स सबसे पहला पॉइंट जो वेव फ्रंट है वो हमेशा रे और लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, हर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री एंगल में होता है। यहां हम डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ये वेव हमारे इधर जा रही है, क्यों जा रही है, ठीक है ना, हमारा पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये पार्टिकल्स के जो पॉइंट है, जहां आप पॉइंट भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए ए बी, आपने इसको कहा सी बी, इसको कह दिया आपने ई आर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ए बी वेव फ्रंट है, और ये जो पॉइंट लगाए हैं हमने, जैसे कि आपने इसको कह दिया ए डैस बी डैस सी डैस डी डैस ई, इस तरह के पॉइंट्स के नाम ले लिए, ये सारे के सारे क्या है, वेव फ्रंट के पॉइंट है, जहां पर केवल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, समझ आ गया। इसी तरह आप उसको लिख सकते हो, आप ए डबल डैस बी डबल डैस, पॉइंट क्लियर हो गया, सी डबल डैस, यहां तक समझ आ गया। ये सभी क्या है, वेव फ्रंट, यहां पर जो रे जा रही है ये वेव फ्रंट के जो एरो के साइन से डिनोट किया, मैंने अभी बताया होगा, वेव फ्रंट हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा, पॉइंट क्लियर हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा हमने क्या बताया, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, क्या है ये, कहता है कि अगर हम इस सोर्स की बात करें यहां पर है, तो ये थर्ड डायरेक्शन में सिलेंडर की तरह आपको लगेगा कि ये पूरा का पूरा इस तरह जा रहा है जैसे सिलेंडर जा रहा है, एक होता है स्फेरिकल, जैसे कि एक स्फेरिकल बोल बन रही हो,
मतलब हर डायरेक्शन में सेम। यहाँ क्या होता है, एक एक्सिस होती है और यहां से डिस्टर्बेंस हर डायरेक्शन में होता है और आपको लगेगा कि यू सिलेंडर बड़ा होता जाता है। मेरी बात समझ गई ना, मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पहले में तो क्या था, ये अकेला छोटा सा पॉइंट था। जैसे कि आप एक पॉइंट सोर्स ले लेते हो, वहां पर लाइट जैसे सन है, सन अगर हम उससे रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन देखेंगे तो स्फेरिकल जा रही है, हर एक डायरेक्शन में जा रही है, वो एक सोर्स हो गया। ठीक है, अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें तो जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि आप ये देखते हो ना, हमारे यहाँ ट्यूब लगी रहती है, एक लंबी ट्यूब लगी रहती है लाइट के लिए, समझ गए ना? ये पहले जो आपने कहा, अरे ये ठीक है ना। अब इससे जब हम लाइट की बात करेंगे तो इसके जो सोर्स है ना वो सिलेंड्रिकल बाहर जाएंगे ना, इस स्फेरिकल। मेरी बात समझ गए ना? क्योंकि अगर आप इनके सोर्स की बात करते हैं, ये तो मैंने ऊपर वाला फेस दिखाया है, अगर आप यहां से भी बात करोगे तो भी यू ऐसे जा रहे हैं हर एक पॉइंट से, समझ आ गया होगा? एक सिलेंडर आपको बनता हुआ नजर आएगा, वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, एक आता है प्लेन वेव फ्रंट यहां पर भी। और दूसरी बात, ये भी जो रे है, ये जो एरो के साइंस से हमने बनाई है, ये जो रे और लाइट है, ये जितनी भी है ये सारी वेव फ्रंट में परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि अगला वेव फ्रंट बनाओगे तो अगला सिलेंडर बन जाएगा। इस तरह से सिलेंडर बनते हुए चले जाए, पॉइंट क्लियर हो गए। अब उसके बाद मान लीजिए आपसे कहा जाता है प्लेन वेव फ्रंट, समझ आ गया? तो प्लेन वेव फ्रंट की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, जैसे कि एक सीट है, ठीक है, ये दूसरा प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि अगर हम रे की बात करेंगे तो रे हमारे पास यू जा रहा है। आप किस तरह कह सकते हो कि जैसे कि आपने एक नोटबुक को यहां रखा, दूसरे नोटबुक यहां रखा, और यहां से पैरेलल रे ऐसे जा रही है, तो जो इस लाइन में जितने भी पॉइंट है इसके ऊपर, ये जितने भी पॉइंट है ये वेव फ्रंट है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? इनको क्या कर दिया, ए डैश, बी डैश, सी डैश, इसको ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश, ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है। हर वेव फ्रंट में, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे प्लेन वेव फ्रंट हो, हर एक के अंदर जो एंगल बनेगा रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट का, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारा वेव फ्रंट है, यहां से रे ऐसे जा रही है, अब देखोगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा हर पॉइंट पर, समझ आ गया होगा ना? हर पॉइंट पर, चाहे कोई भी, यहां पर भी 90 बनेगा, यहां पर भी 90 और यहां पर, हर एक वेव फ्रंट रे के साथ 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगी। ये बात याद रखनी। अगला पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां जो भी रे ऑफ लाइट जाएगी ना, इसकी स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट बोला जाएगा इन एयर। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? पॉइंट क्लियर हो गया? मैंने ये कहा रे गो टू, स्पीड ऑफ लाइट, किसे जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट से पास होगी, ये हमेशा याद रखो। किसी भी मीडियम में एंटर करेंगे देन स्पीड भी लिखेंगे आप, और यहां स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है इन एयर, ये लिख दीजिए इन एयर, और वो कितनी होती है, याद है? क्लियर है? अब मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के बीच की जो डिस्टेंस है, सॉरी, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने का जो टाइम पीरियड है वो हमेशा सेम रहेगा, द टाइम पीरियड। ये कुछ पॉइंट्स हैं, टाइम पीरियड बिटवीन वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट, ये बात भी याद रखनी है। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने का टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप एक जो आपके माइंड में आ सकता है मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपने पानी में पत्थर फेंका, ठीक है, हम वेव्स को देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि राइट साइड में तो 5 वेव बन गई और लेफ्ट साइड में 3 ही बनी, क्या आपने कभी देखा है ऐसा? अगर राइट साइड में 5 है तो लेफ्ट साइड में भी 5, फ्रंट भी 5, हर डायरेक्शन में इक्वल वेव बनेगी, क्या मैं सही बोल रहा हूं? मीन्स डिस्टरबेंस का जो टाइम पीरियड है वो हमेशा फिक्स रहेगा। हमने कहा कि यहां डिस्टरबेंस हो
टी टाइम के बाद यहां डिस्टर्बेंस हुआ, अगर इसमें देखेंगे तो यहां डिस्टर्बेंस हुआ, टी टाइम के बाद यहां एग्जैक्ट टाइम फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहां 1 सेकंड और यहां 1.5 सेकंड लग जाएगा या 0.5 सेकंड लगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के बीच में जाने का जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा, फिक्स। पॉइंट क्लियर हो गया यहां। तो जैसे कि आपने कहा ए डैश टू ए डबल डैश टाइम पीरियड क्या लिया आपने, टी। बी डैश टू बी डबल डैश बी टाइम पीरियड क्या लोगे, टी। जब आप इसी पॉइंट से वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहे हो तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के बीच का टाइम पीरियड हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और इसके भी आप पर आगे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन प्रूव करके दिखाएंगे, समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा बेसिक, आपसे वेव फ्रंट की डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी, आपसे रे ऑफ लाइट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये बेसिक है। जब हम हाइजेंस प्रिंसिपल, जो मैंने शायद आपको एक सिलेबस भेजा था वेव ऑप्टिक्स का, है ना, तो उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हाइजेंस प्रिंसिपल एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन बाय वेव थ्योरी लिखा हुआ, वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और उनको प्रूव करने के लिए ये पूरा बेसिक जो हमने बताया ये आपको आना चाहिए। आपको वेव फ्रंट के बारे में नहीं मालूम होगा तो आप नहीं कर पाओगे, समझ आ गया। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट आता है वेव लेंथ। क्या आता है, वेव लेंथ। अब क्या है कि जो ये वेव फ्रंट है इसने अगले पॉइंट को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। अब ये पहले वेव फ्रंट था, जब ये सेकेंडरी सोर्स का नाम देगा, अभी तो ये प्राइमरी है, सबसे पहला है, ठीक है, जब इसने इसको डिस्टर्ब कर दिया वेव यहां भी बनना शुरू हो गई, तो ये वेव फ्रंट बन गया और ये क्या बन गया, वेव लेंस, क्योंकि ये तो यही चलता रहेगा। अब ये अगले को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अब डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ये कर रहा है, और ये क्या बन गया, वेव फ्रंट, समझ आ गया। जैसे इसने अगले को डिस्टर्ब कर दिया यहां डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, जब इसने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी थी तब तक तो था ये वेव फ्रंट, अब ये अगले में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ये क्या बन गया, वेव लेस, क्या बन गया, ये वेव लेस, अब ये वाइब्रेट करता रहेगा, बट ये क्या बना हुआ, वेव फ्रंट। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, थर्ड वेव फ्रंट, समझ आ गया होगा, फोर्थ वेव फ्रंट इस तरह। और जब वेव फ्रंट आगे डिस्प्लेस होता जाता है पिछले का नाम क्या चला जाता है, वेव लेंथ। पॉइंट क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा सभी को। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, बेसिक दो पॉइंट मैं आपको यहां बता रहा हूं कि वेव, अगर हम रे की बात करें वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के बीच का टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो किसी मीडियम में भी एंटर कर जाए बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, चाहे वो किसी मीडियम में एंटर कर जाए। चलो देखिए एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, ठीक है, जैसे आपने ये कहा कि यहां ये आपके पास कोई भी मीडियम है और इस मीडियम के फिल्टर पर इंडेक्स न्यू है, क्लियर। अब आप ये कहेंगे कि वेव जा रही है तो हम अकेले एक वेव नहीं दिखा सकते, हम यहां वेव दिखाएंगे तो न्यू दिखाएंगे, क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। मैं कहता हूं बेटा वेव फ्रंट शो करिए, हमारे पास है 1, 2, 3, क्लियर, वेव फ्रंट शो करना है, तो आपके दिमाग में आइडिया क्या आना चाहिए कि वेव फ्रंट रे के परपेंडिकुलर होता है, अगर वो होगा तो तीनों के परपेंडिकुलर होगा, आपने तीन बनाई, आप कितनी भी बना सकते हो, 10 बना लो, 2 बना के छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां आपने कहा कि हमने वेव फ्रंट शो किया, हमने ये कहा कि ये वेव फ्रंट तीनों पर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा पहला वेव फ्रंट है, पॉइंट क्लियर हो, ये हमारा फर्स्ट वेव फ्रंट है, हमने यहां से शुरू हो गया, अब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। अब हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी अभी हमने एक पॉइंट डाला कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने का टाइम पीरियड टी है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने ये कहा कि यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम पीरियड टी है, दूसरा वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे तो यहां पर टाइम पीरियड ड्रॉ कर देते हैं,
फील्ड आउट है, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, सेकंड वेव फ्रंट। किसी को कोई डाउट है तो नहीं बता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू लेसर देन इट ट्रेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्म। बैंड हो गए, तीनों को बैंड करके हमें पता है कि तीनों एंटर करने के बाद बैंड हो गए। एक बार ध्यान से देखना, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए हम कोई भी टाइम पीरियड ले रहे हैं, उस टाइम पर ये तीनों वेव यहां आए, एक सेकंड के बाद फर्स्ट वेव यहां पहुंच गए, सेकंड यहां पहुंच गए और थर्ड यहां, ए बी सी, ए एस बी एस सी। मीन्स अगर किसी टी टाइम पर वे अगर इनको देखा जाए तो ए बी सी पॉइंट पर है, टी टाइम के बाद अगर मान लीजिए एक सेकंड रहते हैं तो टी प्लस वन सेकंड का वेव कहां पर है, ए डैश बी डैश सी डैश। अब हम क्या देखते हैं, वेव की तो एंट्री करने की बड़ी अभी ना, ये वेव क्या करेगी, मीडियम में एंटर करेगी, बट ये किसमें चलेगी, एयर में चलेगी, पर ये भी कहां चलेगी, समझ आ गया। अब ये मान लीजिए यहां एंटर कर, अब एक सेकंड में मान लीजिए ये यहां पहुंच गए, इसको एक गलत से लिख दू, ये एक सेकंड में कहां आएगी और ये एक सेकंड में कहां पहुंचेगी। मैंने कह दिया कि सी से सी डबल एस पहुंचने का जो टाइम पीरियड है वो वन से है, जहां से फिर दोबारा परपेंडिकुलर होगा, कर दिया। हाँ जी है, मिल गया। देखिए ये सी डबल डैश हो गया, एक सेकंड में यहां पहुंचा, अब सीधी सी बात है यहां पर वेव फ्रंट तो ये इधर डलेगा ना, अब इस पॉइंट पर देखेंगे तो इसको क्या देखेंगे, बी डबल डैश, इसको क्या देखेंगे बेटा, ए डबल। अब देखेंगे अपने यहां ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों डिफरेंट डिफरेंट आती है, इसका मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं, जो आपने पढ़ा है रे ऑप्टिक्स के अंदर भी पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट मीडियम एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, वी लिखते हो आपने पढ़ा था रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी साइन आई अपॉन साइन आई, पढ़ाया था हमने आपसे, पढ़ा था कि नहीं, आपको पता है ये किसमें थी एयर और ये किसमें है मीडियम, मेरी बात समझ लेना, जब स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या करेगा, कम होगा, मेरी बात समझ रहे ना, बट ये बात याद रखनी है कि ए डैश से ए डबल डैश तक पहुंचने का जो टाइम पीरियड है वो भी क्या है, सेम है जो सी से सी सी डबल डैश तक पहुंचने, पॉइंट क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। और इसी थ्योरी से हम ये रूल प्रूव करके दिखाएंगे, ये आपके सिलेबस में है, मैं ये बता रहा हूं, क्लियर है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आप ये कहते हो कि सर हम मान लीजिए कि लेंस ले लें, क्या ले लेते हैं, कोई भी लेंस, आपने ये काम की ये वे उठ रहे यू कर रहे ऐसे है, ठीक है। पहला वे उठ आपने यहां बना दिया, क्या कहा इसको ए डैस सॉरी ए बी सी लिख देते हैं, रेड लाइन यहां से यहां तक पहुंच रही है, आपको पता है ये रेड लाइन क्या होगी बेटा, बैंड होगी, अरे बैंड होगी ही नहीं, कहां जाएगी, फोकस पर, क्लियर। अब क्या करोगे, अगर यहां से वेव फ्रंट ड्रो करोगे तो किस तरह का वेव फ्रंट आएगा, स्पेरिकल आएगा, भाई यहां ये जो बैंड होकर जा रही है तो ये परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए जिस जहां से भी जा रही है, जो भी आपने स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाया है ये इसके टेंजेंट पे क्या होनी चाहिए, उल्टा तो नहीं बनाना, सॉरी उल्टा बना दिया, ये वेव ये सारे वेव यहां से देखेंगे कि ये टेंजेंट है और ये क्या है इसके, समझ आ गया होगा कि नहीं, समझ आ गए, पॉइंट क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स आप प्रिज्म के अंदर बना सकते हैं, यहां से आप देख रहे हैं कि ये बैंड हो रही है रे ऑफ लाइट, यहां इसकी स्पीड ज्यादा डिक्रीज होगी, यहां से सीधी बात हो जाती है, यहां स्पीड चेंज नहीं होगी, समझ गए, क्लियर है। तो चलो देखिए अब हम पढ़ते हैं अपना
जो मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या है हाइजेंस प्रिंसिपल? देखो सबसे पहले हम डायग्राम बना देते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट ले सकते हो, प्लेन सिलेंड्रिकल कोई भी वेव फ्रंट, ठीक है। हम ले लेते हैं स्फेरिकल वेव, या तो मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट बना देता हूं और या बना देते हैं प्लेन वेव फ्रंट। बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हम स्फेरिकल वेव फ्रंट ले, मैंने ये कहा फर्स्ट ये वेव फ्रंट है, ये क्या आएगा वेव फ्रंट, या प्लेन वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट वेव फ्रंट है। क्लियर? यहां पर हम एक दो तीन चार पांच कितने भी पार्टिकल ले सकते हैं, ठीक है। मैंने कह दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरह से आपने पार्टिकल ले लिए और हम भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। चलो चार पांच पार्टिकल हो गए, आपने इनके नाम लिख दिए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी। मैंने यहां क्या लिखा है स्फेरिकल वेव, यहां क्या लिखा है प्लेन वेव। क्लियर? यहां पर भी आप पॉइंट ले लो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। हम ये कहते हैं कि फर्स्ट वी टेक ए वेव फ्रंट एट लीस्ट ए बी सी डी ई फाइव पार्टिकल्स आर देयर विच क्रिएट डिस्टर्बेंस। समझ आ गया? विच क्रिएटेड डिस्टर्बेंस, दैट पार्टिकल्स ऑन दैट वेव वे, दैट पार्टिकल्स क्रिएट वेव फ्रंट, ये डिस्टर्बेंस कॉल्ड वेव फ्रंट्स। दीज पार्टिकल्स क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस कॉल्ड वेव फ्रंट। जो पार्टिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं इनको हमने किसका नाम दे दिया? वेव फ्रंट का नाम। पॉइंट क्लियर? आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद आप देखते हैं कि पार्टिकल कहां पहुंच रहे हैं। तो जैसे कि स्फेरिकल है तो टी टाइम के बाद मैं ये कह देता हूं कि भाई ये एयर है, आफ्टर टाइम टी, टाइम पीरियड टी है तो मैं कह देता हूं कि भाई डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सी मल्टीप्लाई बाय टी। सीधी सी बात भाई, वेव आगे जा रही है, वेव टी टाइम में कितनी आगे चली जाएगी, मतलब ये अपना डिस्टर्बेंस कहां तक पहुंचा देगा। मेरी बात समझ गए क्या? इसकी जो स्पीड है वो तो है ना, वेव की जो स्पीड है वो हमने क्या बता दी, सी टी टाइम में कितना पहुंच जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैं कह देता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ना ये डी है, जिसकी वैल्यू कितनी है सी मल्टीप्लाई बाय टी। अब ये अपना डिस्टर्बेंस यहां पर क्रिएट कर देगा। पॉइंट क्लियर? चारों तरफ, एक तरफ नहीं चारों तरफ। पॉइंट क्लियर है? ये वाला अपना डिस्टर्बेंस कहां तक क्रिएट करेगा बेटा? ये भी डी डिस्टेंस में, ये पीछे थोड़ी रहेगा, क्योंकि सेम। इस तरह हम सभी के क्या बना देंगे बेटा, डिस्टर्बेंस सर्कल बना देंगे। समझ आ गया? अब हर एक का क्या होगा बेटा, टेंजेंट ड्रॉ होगा, क्योंकि ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, सभी के टेंजेंट को हम मिला देंगे। टेंजेंट मिला दिया, ये हमारे पास हो गया सेकंड वेव फ्रंट, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा सेकंड वेव। अब ये डिस्टर्बेंस यहां से यहां पहुंच रहे, इसको लिख दिया ए डैश बी डैश सी डैश टी। ग्यारह पॉइंट क्लियर हो गया? एंड दिस इज कॉल्ड एज वेवलेस। इसको किसका नाम दे दिया? वेवलेस। अब सेकेंड वेव फ्रंट एक्सेल थर्ड डिस्टर्बेंस,
जो सेकंड वेव फ्रंट है वो तीसरे डिस्टरबेंस का काम करेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब डी इज इक्वल टू सी टी, मतलब सेम टाइम पीरियड में अगर हम देखेंगे तो फिर दोबारा से सर्कल बनाने पड़ेंगे, अगेन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये प्रोसेस यू आगे चलता रहेगा और यू ड्रॉ करते करते हम क्या देखेंगे कि वेव फ्रंट यू आगे बनते चले जाएंगे और एक स्पेरी का वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। हर डायरेक्शन क्लियर हो गए, समझ आ गया होगा। यहां इसी तरह टेन के अंदर आप शुरू करो डी इज इक्वल टू क्या बताओगे सी। अब आपको ध्यान होगा कि d इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई डी लिख रहा हूं, शायद ये मीडियम वाला मैंने बताया था, मीडियम में एंट्री करने के बाद स्पीड हो जाती है v, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहां पर जो काम दिखाई दी डी डैश इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई, कब होती है ना ये डिस्टेंस, क्योंकि v क्या हो गया डिक्रीज हो गया मीडियम के लिए। समझ आ गया पॉइंट क्लियर? तो चलो आप यहां तक पढ़ना, मैं आपके पास कुछ नोट्स भेजूंगा बेटा।